लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऊष्मागतिकी निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी सामे बोलते हैं जैसे, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं और वहाँ से उसको कम्प्लीटली देख के और फिर इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हम पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, जिसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? शून्यांकी नियम के लिए ये बेसिकली ताप पर निर्भर होता है, टेम्परेचर बोल सकते हैं, ये ताप पे डिपेंड करता है, इसको हम ताप का नियम भी बोल सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो जीरोथ लॉ है वो ताप की अभिधारणा को ही व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, मान लो हमें एक कोई भी एक सिस्टम दे रखा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इस सिस्टम को हम कोई भी ऊष्मारोधी दीवारों से अलग कर देते हैं, इसमें तीन सिस्टम ले लेते हैं, यहाँ से एक ये कुचालक, ये मान लेते हैं आइसोलेटेड, एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बनाते हैं, ये कुचालक दीवार है, ये ए सिस्टम ले लेते हैं, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी है और एक ये है सी, इन तीनों को हमने सेपरेट कर दिया, ए बी एंड सी, तीनों को सेपरेट करने के बाद में यहाँ पे कोई भी एक मैटर है जिसको हमने नेमिंग कर दी है ए, यहाँ पे मैटर दूसरा है जिसको नेम कर दिया हमने बी और ये सी। अब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दीवार लगी हुई है, ये वॉल बनी हुई है, ये कौन सी है? ये ऊष्मारोधी दीवार, ऊष्मारोधी दीवार। इस ऊष्मारोधी दीवार है, इसका मतलब ए से बी और बी से ए में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ए से बी में भी नहीं जा सकती और बी से ए में भी नहीं जा सकती। बट यहां पर ये जो ए और सी और बी और सी, इनके बीच में जो दीवार लगी हुई है, ये केवल एक पार्टीशन किया हुआ है, यहां से ये ऊष्मारोधी दीवार नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए से सी में हीट ट्रांसफर हो सकती है, सी से ए में जा सकती है और बी से सी में आ सकती है और सी से बी में जा सकती है। तो जब इन दोनों में हीट ट्रांसफर होगी तो हीट का ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती वो कहां से होती है? हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये हीट का ट्रांसफर होता है हमेशा। हीट में देखेंगे वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर हो सकती है, हम बोल सकते हैं कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ट्रांसफर होगी। तो जब यहां से इन दोनों में हीट ट्रांसफर होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों किसमें होंगी? साम्य में होंगी, तापीय साम्य। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए वो तीन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो रासायनिक साम्य में होना चाहिए, तापीय साम्य में होना चाहिए और तीसरा कौन सा है? यांत्रिक साम्य, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये दोनों जब आपस में कनेक्टेड होंगे तो ये दोनों तापीय साम्य में होंगे, बी और सी भी कनेक्टेड होगा तो ये दोनों भी तापीय साम्य में होंगे। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, क्योंकि तापीय साम्य में तो दोनों का ताप क्या होगा? इक्वल। यहां से इन दोनों में ले तो यहां से क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, ये दोनों भी तापीय साम्य में होंगे। यहां से जब ए सी के साथ तापीय साम्य में और बी सी के साथ तापीय साम्य में, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का ताप भी क्या होगा? समान होगा, क्योंकि यहां से अगर हम TC की वैल्यू इसमें पुट करें तो TC की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? TA। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? TB is equals to TA। तो temperature of B is equals to temperature of A। तो यही किसका नियम है? Zeroth law of thermodynamics है, शून्यांकी नियम है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई दो ऊष्मागतिकीय निकाय अलग अलग किसी तीसरे निकाय से तापीय साम्य में हो तो वे दोनों परस्पर भी किसमें होंगे? तापीय साम्य में आएंगे, आपस में दोनों भी तापीय साम्य में होंगे। तो ये है शून्यांकी नियम और ये जनरली किस पे डिपेंड करता है? ताप पे। तो ये ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ताप की अभिधारणा को व्यक्त करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैकेनिकल इक्विवेलेंट मीन्स यहां पर एक कांस्टेंट मिलेगा हमें, ये कांस्टेंट होता है, इस मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को हम जे से डिनोट करते हैं, हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक ये लिख सकते हैं। ये जो वर्कडन होता है, वर्कडन किसमें आता है? जनरली हम उसकी यूनिट लेते हैं जूल।
जूल को हमें हीट में कन्वर्ट करना है, तो हीट को जनरली हम किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी या किलो कैलोरी में मेजर करते हैं। तो ये जो तुल्यांक है, यांत्रिक तुल्यांक, ये वर्क डन को जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करेगा, और कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जे का सबसे बड़ा रोल होता है। तो जैसे हम यहां से डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करें तो एक जूल कितने कैलोरी के इक्वल होता है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, 1/4.18 कैलोरी, ये होती है यहां से। या फिर हम ये कह सकते हैं 4.18 को इधर लेके आएंगे तो 1 calorie = 4.18 जूल, और फॉर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इसको हम कितना यहां से ले सकते हैं 4.2 भी ले सकते हैं कि 1 कैलोरी कितने जूल के, 1 calorie = 4.2 जूल, ये हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां से देखो, अब यांत्रिक तुल्यांक यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक हमारे पास है उष्मागतिकी निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, उष्मागतिकी निकाय, इस निकाय के टेम्परेचर को क्या कराना है, राइज करना है, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो तरीके, दोनों तरीके कौन से, इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए या तो हम इसको हीट दे देंगे, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देने पर, उष्मा देने पर उसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका, एक इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन कर सकते हैं, इस पर कार्य करेंगे तो भी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब दो तरीके से हम वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं कार्य को, कैसे, एक तो देखो ये उष्मा गति की निकाय, तो इसके चारों तरफ का जो होगा इसे हम क्या बोल सकते हैं, परिवेश, और ये क्या हो जाएगा, निकाय। ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ये निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है, यहां से पता लग जाएगा। ये दोनों, इन दोनों में उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो कोई भी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, एक परिवेश से निकाय में भी नहीं जाएगी और निकाय से परिवेश में भी नहीं आएगी। तो जब इसमें वर्क डन करेंगे तो दो तरीके से हो सकता है, देखो एक तो उष्मा गति की निकाय पर कार्य करना और दूसरा निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य करना, ये भी तो कर सकता है इस पे, क्योंकि इसके अंदर क्या भरी होती है, गैस भरी होती है, गैस लेंगे तो गैस क्या होता है, यहां से फ्यूल की तरह कार्य करता है, कोई भी यहां पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेंगे उसमें फ्यूल की तरह होगा। अब यांत्रिक तुल्यांक कैसे डिफाइन करेंगे, जब किसी उष्मा गति की निकाय पर काम किया जाता है, वर्क डन किया जाता है, तो वो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसको दी गई हीट के प्रोपोर्शनल होगा, यहां से इसमें उत्पन्न होने वाली उष्मा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, हीट के प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहां से, तो W = J * Q, और ये जो कांस्टेंट आता है इसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जे की यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से देखो ये क्यू मल्टीप्लाई में इधर लेके आओ, तो J = W/Q, और यूनिट की बात करें तो यूनिट कितनी हो जाएगी, वर्क डन की होती है जूल अपॉन में, और हीट की कितनी होती है, कैलोरी, तो जूल अपॉन कैलोरी इसकी यूनिट हो जाएगी, उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की यूनिट हो जाएगी। ये हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल पर्पज के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहां से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।